हम सब टीवी देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं और अपने आसपास के इवेंट्स को भी ऑब्जर्व करते हैं, है ना? लेकिन हम सबके इंटरेस्ट कितने अलग अलग होते हैं। किसी को फैशन अट्रैक्ट करता है, किसी को कुकिंग, किसी को सोशल इवेंट्स में इंटरेस्ट आता है, तो किसी को पॉलिटिक्स में। अब ऐसे न जाने कितने ही इंटरेस्ट के पॉइंट्स हैं जो हम में से हर एक को अलग अलग तरह से अफेक्ट करते हैं, और इनके बारे में किसी न किसी दिन हम बातें भी कर ही लेते हैं। तो आज इनमें से किस बारे में बात करने का दिन है? आज दिन है पॉलिटिक्स के बारे में बात करने का, यानी कि पॉलिटिकल साइंस को समझने का और ये जानने का कि इसमें क्या क्या आता है, इसका क्या स्कोप है और इसमें करियर बनाने के लिए क्या ध्यान रखा जाना चाहिए। तो आइए जानते हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको इसमें ज्यादा मजा आएगा, और अगर नहीं रखते हैं तो क्या पता इस वीडियो के बाद आपको इसकी ऐसी नॉलेज मिल जाए जो पॉलिटिकल साइंस में आपका इंटरेस्ट बना दे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और अपने इंटरेस्ट का पता लगाइए। चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले ये समझते हैं कि पॉलिटिकल साइंस टर्म सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है। पॉलिटिकल पार्टीज, न्यूज पर पॉलिसी एनालिसिस, पॉलिटिकल कैंपेन्स, कुछ ऐसा ही ना। लेकिन देखिए, पॉलिटिकल साइंस बस इन सारी एक्टिविटीज तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये ऐसे बहुत सारे क्रिटिकल इश्यूज को एनालाइज और प्रिडिक्ट भी करता है जो हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन, टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, सिविल राइट्स और डिप्लोमेसी। यानी पॉलिटिकल साइंस का एरिया काफी ज्यादा बड़ा है। पॉलिटिकल साइंस गवर्नमेंट्स, पब्लिक पॉलिसीज और पॉलिटिकल बिहेवियर को ब्रॉडली रेफर करती है। आपने स्कूल में बेसिक सिविक्स तो पढ़ा ही है, बस वहीं से निकला है ये पॉलिटिकल साइंस। ये सोशल साइंसेज की वो ब्रांच है जिसमें स्टेट पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट की स्टडीज होती है। ये पॉलिटिकल सिस्टम्स के एनालिसिस, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और पॉलिटिकल बिहेवियर के एग्जामिनेशन से डील करती है। ये एक अकेला एरिया नहीं है, बल्कि इसमें और भी कई सारी ब्रांचेस शामिल होती है, जैसे सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी और पब्लिक पॉलिसी एसेट्रा। पॉलिटिकल साइंस स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स की डिमांड बीते कुछ सालों में काफी ज्यादा बढ़ी भी है, और इसका रीजन स्टूडेंट्स का बढ़ता इंटरेस्ट है, क्योंकि आजकल स्टूडेंट्स लगातार चेंज होते नेशनल और वर्ल्ड पॉलिटिकल डायनामिक्स को लेकर के काफी क्यूरियस हो गए हैं, और इसे ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए उन्हें पॉलिटिकल साइंस की स्टडी करना एक अच्छा ऑप्शन नजर आ रहा है। इसकी इम्पोर्टेंस हमेशा से बनी हुई है, और इसका रीजन यही है कि हम सब पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंदर ही तो रहते हैं और ग्लोबल पॉलिटिकल वर्ल्ड में होने वाले चेंजेस से अफेक्ट भी होते हैं। तो ऐसे में ये सब्जेक्ट उनके लिए परफेक्ट है जो पॉलिटिकल सिस्टम्स के फंक्शन सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं और जो एसेंशियल क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल स्किल्स भी डेवलप करना चाहते हैं। और फिर इस एरिया में इतने सारे सब डिसिप्लिन्स भी तो हैं जिनकी नॉलेज इस एक फील्ड के अंदर ली जा सकती है, और ये सब डिसिप्लिन्स हैं पॉलिटिकल थ्योरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस और पब्लिक लॉ। अब इनसे आप ये तो समझ ही गए होंगे कि पॉलिटिकल साइंस का एरिया वाकई में कितना ब्रॉड है, और इनकी स्टडी करके मॉडर्न पॉलिटिकल इकोनॉमी को आसानी से कवर किया जा सकता है और ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी कैसे वर्क करती है ये भी समझा जा सकता है। तो इस कोर्स में इंटरेस्ट रखने वाले स्टूडेंट के पास बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं जो पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट और हायर लेवल डिग्रीज प्रोवाइड करती हैं। ना केवल इंडिया में इस कोर्स को लेने वाले स्टूडेंट ज्यादा है, बल्कि पूरी दुनिया में ये मोस्ट ऑप्टेड कोर्सेज में शामिल है। आप इसमें 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स कर सकते हैं, और उसके बाद बाकी एकेडमिक डिसिप्लिन की तरह पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD भी कर सकते हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस में अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इस कोर्स में एडमिशन के लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है। तो पॉलिटिकल साइंस में बैचलर डिग्री करने के लिए आपका कम से कम 50% मार्क्स के साथ क्लास 12th क्लियर करना जरूरी होगा, और इस कोर्स में एडमिशन कॉलेज या यूनिवर्सिटी की कट ऑफ लिस्ट के बेस पर होता है। इसी तरह अगर आप पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना जरूरी होगा, जैसा कि हर मास्टर्स डिग्री में एडमिशन के लिए जरूरी होता है। ये बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है, लेकिन अगर आपकी बैचलर डिग्री आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में होगी तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगी। ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 45-55% मार्क्स होने जरूरी है, और परसेंटेज का ये वेरिएशन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज पर डिपेंड करता है। अब एडमिशन की बात आई है, तो पॉलिटिकल साइंस स्टडी करने के लिए इंडिया के कुछ बेहतरीन कॉलेजेस के नाम जान लेना भी अच्छा रहेगा। और ये कॉलेजेस है
सेंट स्टीवंस कॉलेज दिल्ली, लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन दिल्ली, सेंट जोसेफ्स कॉलेज बैंगलोर, सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद, सेंट फ्रांसिस कॉलेज फॉर वुमेन हैदराबाद, लोयोला कॉलेज चेन्नई, फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, स्टेला मैरिस कॉलेज चेन्नई, माउंट कार्मल कॉलेज बैंगलोर और क्रिस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर। पॉलिटिकल साइंस में स्टडी किए जाने वाले कॉमन सब्जेक्ट्स को देखें तो ये हैं: पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल थ्योरी, एनवायरमेंटलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशल जस्टिस, पीस एंड पॉसमेंट, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यूएन पीस मेकिंग, डिप्लोमेटिक हिस्ट्री, पॉलिटिकल इकोनॉमी, यूएन सिस्टम एंड लीग और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब जब आप पॉलिटिकल साइंस स्टडी करने का सोच ही रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएट्स के लिए कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, क्या ये लिमिटेड होते हैं या फिर बहुत सारे होते हैं। तो पॉलिटिकली साइंस स्टडी करने के बाद एक ग्रेजुएट के पास अवेलेबल ऑप्शंस की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि इसमें ग्रेजुएट होकर बहुत सारे एरियाज को कवर किया जा सकता है, जैसे कि सिविल सर्विसेज, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज में सेक्रेटरी, इलेक्शन एंड कैंपेन मैनेजर, पॉलिटिकल कंटेंट डेवलपर, पॉलिसी एनालिस्ट, लेजिस्लेटिव असिस्टेंट, पब्लिक रिलेशंस स्पेशलिस्ट, पॉलिटिकल कंसल्टेंट, अटॉर्नी, इंटेलिजेंस एनालिस्ट, पब्लिक ओपिनियन एनालिस्ट, फॉरेन सर्विस ऑफिसर, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, लीगल एडवाइजर टू पॉलिटिकल पार्टीज, बैंक जॉब्स, जर्नलिज्म, सोशल मीडिया मैनेजर, मार्केटिंग रिसर्च एनालिस्ट, कम्युनिकेशन डायरेक्टर, कॉर्पोरेट मैनेजर, सर्वे एनालिस्ट, टीचर, एनजीओ एसेट्रा। तो देखा आपने कितने सारे करियर ऑप्शंस हैं, लेकिन इनमें से भी आपको अपने इंटरेस्ट का करियर पाथ ही चूज करना चाहिए और उसमें फर्दर स्टडीज के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी चाहिए ताकि जल्द से जल्द आप अपने करियर को सही डायरेक्शन में आगे बढ़ा सके। और अब आगे ये भी तो जानिए कि अगर पॉलिटिकल साइंस में करियर बनाने का प्लान है तो इन सारी स्किल्स पर भी आपको जरूर से गौर करना है: कम्युनिकेशन स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, रिसर्च स्किल्स, टीम वर्क, डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, ताकि आपके लिए पॉलिटिकल साइंस को अच्छी तरह एक्सप्लोर करना पॉसिबल हो सके और आप इसके अवेलेबल करियर ऑप्शंस में से बेस्ट सिलेक्ट करके उसे जल्द से जल्द अचीव भी कर पाए। और इस तरह अगर आप अपने इंटरेस्ट को फॉलो करते हुए एक अच्छे और रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में बैचलर डिग्री और उसके बाद हायर स्टडीज कंप्लीट करेंगे तो आपको इस फील्ड में बहुत सारा स्कोप और हाई सैलरी पैकेज ऑफर हो सकेगा। और उसके बाद इस बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस में, जिसे बहुत कॉमन सब्जेक्ट समझा जाता है, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे पाएंगे और आपके अचीवमेंट्स और ग्रोथ भी हाई होती जाएगी। इसलिए इस वीडियो की हेल्प लेकर पॉलिटिकल साइंस में अपने इंटरेस्ट को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे ये जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर के कि आपके लिए पॉलिटिकल साइंस सूटेबल है या नहीं। और दूसरी बात, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो ये क्लियर होना जरूरी है कि पॉलिटिकल साइंस एग्जैक्टली है क्या, ताकि वो डिसीजन ले सके। तो इसलिए शेयर करना बहुत जरूरी है, कमेंट सेक्शन में लिखकर के बताइएगा कि आगे किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। तो मिलेंगे बहुत जल्दी ही, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अभी के लिए रूबी आपसे कहेगी धन्यवाद।